हाय देयर यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू गाइस डूइंग रियली अमेजिंग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अमेजॉन गाउन हॉल और लाइक वीडियो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 गाउन, लाइक ये वेडिंग सीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त गाउन है। और आने वाले टाइम में लाइक जैसे कि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है और भी बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, तो उसमें ये सारे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये 3 गाउन जो हैं वो तीनों ही 1999 के लाइक अंडर 1999 है। तो अगर आप वाकई लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू उसमें शेयर करूँगी, मुझे कैसे लगे और लाइक एवरीथिंग, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिस सेलर का लिंक मैं आपको देने वाली हूँ उसी सेलर से आप करिए, क्योंकि डिफरेंट सेलर्स होते हैं अमेजोन पे और वो किस तरीके का सेल करते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता, क्योंकि मैंने एक सेलर से और मंगाया था, इसमें से एक ड्रेस का दुपट्टा बिल्कुल डिफरेंट निकला था उस सेलर से। तो जिस सेलर का मैं लिंक आपको दूंगी उसी सेलर से जाके लेंगी आप तो एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरे सेलर से लोगी तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। फ्रॉम द सेलर कॉल्ड फैंसी लाइफ स्टाइल, लाइक सेलर और ब्रांड दोनों का सिमिलर नेम ही है। फैंसी लाइफ स्टाइल करके अमेजोन पे एक सेलर है, जब आप सर्च बार में जाकर सर्च करोगे तो उनके और भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है वो गाउन जिसकी मैं बात कर रही थी लाइक अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो ब्लू वाले, ये ब्लू गाउन है। लाइक इसका एक तो कलर जो है बहुत डिफरेंट है, जो कि आई डोंट थिंक सो आपको कैमरे पे पिक हो पाएगा, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा यू नो अंडरटोन इसके ब्लैकिश है उनके, तो ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लू है। तो या तो मैंने अभी तक इसको स्टिच करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअली भी इसे जिस पॉइंट से लिया था, आई डोंट नो मैंने क्या सोच के ये सोचा, बिकॉज मैंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि इसके अंदर कलियाँ हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसे एज अ स्ट्रेट कुर्ता लाइक फ्लोर लेंथ स्ट्रेट कुर्ता की तरह स्टिच करवा लूँगी और नीचे जो है वो मैं ट्राउज़र ले लूँगी मार्केट से, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसके अंदर कलियाँ हैं, तो ये इस तरीके से कट नहीं हो सकता। भूल आए लाइक हाउ कैन बी समवन इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है ना। तो ये है वो गाउन, सेकेंड तो हेयर इट इज, आई होप यू कैन सी। तो कुछ इस तरीके की इसकी नेक है और ये हैं इसकी स्लीव्स, लाइक स्लीव्स में फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसकी लगी, इसमें बहुत अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई है, क्योंकि मुझे वो तड़कते भड़कते और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है यार पता नहीं जैसे कि क्या लाइट्स आ गई हैं फंक्शन में। तो कुछ इस तरीके की इस पर एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिल रही है, बाकी फुल गाउन पे आपको सेम एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी। अंदर इसकी लाइनिंग भी है, लाइनिंग सेम ये है इसका, घेर इसका उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाउ इज इट, कुछ इस तरीके का इसका बॉर्डर है, आई होप यू कैन सी दैट, इस तरीके का। और लाइनिंग जो है आपको वो कुछ इस तरीके, लाइक अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं इन सब में भी अगर मैं बात करूँ लाइनिंग की, तो मैंने इससे ज़्यादा अच्छा लाइनिंग का मटेरियल अभी तक किसी भी ड्रेस में नहीं देखा है, किसी भी गाउन में नहीं देखा है। मैंने इतनी ऑनलाइन ड्रेसेस बाय करी हैं, इतने सेमेस्टर सूट्स खरीदे हैं कि यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। और लाइक अब तक का सबसे बेस्ट मुझे नेट की क्वालिटी जिसकी लगी ना वो इसकी अच्छी लगी थी, नेट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। ओके, और 1999 रुपीज़ में जो आपको लाइनिंग इसके अंदर मिल रही है ना, ये वाली लाइनिंग, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक जो मार्केट में लाइनिंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइनी होती है और उसका मटेरियल भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लाइक यप, ये है पहला गाउन, इस सेम जो लाइनिंग मिल रही है आपको ट्राउज़र में भी आपको वही फैब्रिक मिल रहा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है ये भी, जो कि मुझे नहीं लगता मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं लाइक गाउन्स जो होते हैं उनके नीचे ट्राउज़र स्टिच करवाती नहीं हूँ मोस्टली, क्योंकि लेंथ होती है फ्लोर, तो आप अंदर कुछ भी पहन रहे हो लाइक जीन्स पहन रहे हो लाइनिंग पहन रहे हो तो वो दिखाई नहीं देता, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइक स्टिच करवाना ट्राउज़र को या फिर पैंट को। तो ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे की भी नेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका जो दुपट्टा है वो आई गेस 2.5 या 2.5 मीटर का दुपट्टा है, मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और इस टाइप की लेस लगी हुई है दुपट्टे पे, मैं इसको खोलना नहीं चाह रही हूँ एक्चुअली में, बट इसका दुपट्टा काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंथी है इस टाइप की, 4 बॉर्डर आपको सेम लाइक मिल रही है। जैसे कि जो दुपट्टा है वो बिल्कुल प्लेन है, इस पर किसी भी तरीके की कोई डिज़ाइनिंग नहीं करी गई, मुझे लगता है थोड़ी सी अगर एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती तो इट विल लुक गुड, बट ओके उनका अपना कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड पैकेज जो है अगेन ये आई डोंट नो कौन से ब्रांड का है, ब्रांड मुझे याद नहीं है अच्छे से, सेलर का लिंक तो मैं मेंशन कर ही दूँगी। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, ये मुझे इतना खूबसूरत लगा था, लेकिन जब ये आया तो मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा,
लगा, मतलब मुझे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। तो इसको स्टिच कराया तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं इसको स्टिच कराए हुए। लास्ट विंटर लाइक जनवरी में मैंने इसको स्टिच करवाया था। और इसका कलर ओके, मतलब लाइक मैं क्या ही बोलूँ, अब आपको दिखाने वाली हूँ ना, तो अब आप बोलें। तो इसकी क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, लाइक हेयर इट इज़। ये स्टिच करवा लिया है मैंने, एज यू कैन सी दैट स्टिच है ये, तो मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी ये। तो यस, कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है लाइक, और स्लीव्स पे कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रही है, और बॉर्डर भी इस तरीके के आपको मिल रहे हैं। ये फुल स्लीव्स नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सारा अपनी एक्सेसरीज दिखानी होती हैं, तो वो आपको मिल रहा है। बाकी का जो है ये ऑल ओवर प्लेन है, नीचे आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ये बॉर्डर, ये लाइक दिस। और गाइस ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, बहुत डिफरेंट तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी लाइनिंग का मटेरियल उतना, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अच्छा है, लाइक एज कम्पेयर टू द ब्लू वन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है, लाइक जो नॉर्मल होता है वैसा ही इसका फैब्रिक है। और इसका कलर गाइस कितना प्यारा है यार, आई मीन आई लव इट। लेकिन गाउन से ज़्यादा मुझे पसंद है इसका दुपट्टा, और आप जब देखोगे ना यू विल लव इट एज वेल। बट बाय द वे इसका ट्राउज़र है जो कि मैंने स्टिच करवा लिया था मम्मी के कहने पे, बिकॉज शी वॉज लाइक तुम्हें क्यों कपड़े के कपड़ा जो है बर्बाद कराने में मज़ा आता है, आई मीन ये ऐसे ही होता है। तो ये है दुपट्टा, दुपट्टा है इसका नाज़नीन दुपट्टा, आई लव नाज़नीन दुपट्टा, आई लव शिफॉन दुपट्टा। जो फिसलते हैं ना थोड़े दुपट्टे, वो दुपट्टों में तो एक अलग ही लेवल होता है भाई। तो ये है वो दुपट्टा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइक द बॉर्डर, और जो इसका लाइक कितना खूबसूरत लग रहा है, आई लव इट। और जो आपको एम्ब्रॉयडरी गाउन में मिल रही है उसमें छोटे छोटे से जो मोटिव्स हैं वो आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है ये। और आपको 4 साइड बॉर्डर मिल रहा है ये सेम। तो या मुझे इसका दुपट्टा पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे प्लेन दुपट्टा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, जैसे कि वो ब्लू वाली की जो लेस लगी हुई है वो मुझे ज़रा सी भी पसंद नहीं आ रही इतनी। बट क्योंकि गाउन बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि आप देख सकते हो ये गाउन उतना हैवी नहीं है, इसमें आपको ऊपर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, उसके बाद पूरा एरिया खाली है, बाकी नीचे बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, लेकिन ब्लू वाला गाउन पूरा हैवी है। तो बैलेंस करने के लिए दुपट्टे में भी लाइक आपको थोड़ा सारा कम देना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है जब पूरा गाउन ही हैवी है तो दुपट्टा क्यों लाइट करना है यार, व्हाई। तो ये था दूसरा पैकेज। जो थर्ड पैकेज है अगेन फ्रॉम द सेम सेलर जहाँ से मैंने ये लिया है, या फिर सेम सेलर नहीं होगा तो डिफरेंट सेलर होगा, लेकिन ये वाला जो गाउन है ना पर्टिकुलरली, इसका दुपट्टा मेरे लिए मेरी जान। बात कर रही थी, ये एक डिफरेंट तरीके का ग्रे है, ये आई नो आपको कैमरे पे ग्रे लग रहा है, और ये मुझे भी ग्रे ही लग रहा था, बट इट्स नॉट ग्रे, इट्स अ ग्रेश ब्लू कलर जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो ये है वो गाउन, ये फुल प्लेन गाउन है, यहाँ पे सिर्फ आपको लाइक नेक पे ये डिज़ाइनिंग मिल रही है, ये पर्ल्स हैं, या आपको मशीन एम्ब्रॉयडरी के साथ पर्ल्स मिल रहे हैं। स्लीव्स के लिए जो इसमें कपड़ा दिया गया था लाइक सेम इसी फैब्रिक का, वो मैंने नहीं लगवाया क्योंकि वो सिर्फ इतनी ज़रा सारी स्लीव्स थी और मैं इतनी ज़रा सारी स्लीव्स नहीं रखना चाहती थी, तो मैंने ये अलग से नेट को लेके, लाइक ये कलर भी इतना डिफरेंट है कि इसका लाइक नेट ही नहीं मिली इस कलर की, तो मुझे ये कलर अलग से नेट लेकर डाई करवाने के बाद मैंने ये फ्रिल लगवाई है, और फ्रिल लगवाने के बाद मैंने फ्रिल में पीकू करवा लिया है। तो ये डबल फ्रिल स्लीव्स हैं, तो या अभी तो ये आयरन नहीं है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी जो पूरा गाउन है वो प्लेन है, यहाँ पे आपको एक सिमिलर कलर की लेस मिल रही है बॉर्डर पे, बाकी लाइनिंग इसकी सेम पैटर्न की है। ट्राउज़र मैंने इसका स्टिच नहीं करवाया है, वाई एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फुल लेंथ गाउन में आप अंदर कुछ भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको नीचे इसके साथ का मैचिंग ही पहनना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका दुपट्टा इसकी जान है, तो बाकी इसका दुपट्टा इसकी जान है, हेयर ड्रेस द दुपट्टा लाइक शो स्टॉपर है। ओके बाय, आई विल टॉक टू यू। तो ये रहा इसका प्यारा प्यारा, बहुत प्यारा दुपट्टा। नाउ
एक साइड पर आपको फुल एम्ब्रॉयडरी मिल रही है यहाँ से, अगेन ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है और आपको वन साइड एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी इस दुपट्टे की कि ये दुपट्टा एक्स्ट्रा ब्रॉड नहीं है, क्योंकि इस टाइप के जो दुपट्टे हैं ना वो सिर्फ इतने अच्छे लगते हैं ताकि आपको खाने में परेशानी ना हो, क्योंकि फैशन के साथ साथ पेट पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का आपको वन साइड इतना ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर मिल रहा है, इसमें भी सेम आपको पर्ल्स का काम मिल रहा है और मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है बैठा भी। इसके बाद ये फुल इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लाइक टू साइड बॉर्डर मिल रहा है ये, और इसमें कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके बाद जो टू साइड बॉर्डर है वो ये वाला है, लाइक इट्स नॉट ब्रॉड, इट्स लिटिल बिट स्लीक, और पूरे दुपट्टे में आपको इस तरीके के मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे और उसके ऊपर पर्ल्स भी रखे हुए हैं ताकि पूरा दुपट्टे में आपको मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस गाउन के साथ नहीं किसी दूसरे सूट के साथ भी इस दुपट्टे को पेयर अप करना चाहते हैं, कैन टोटली डू इट, बिकॉज ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और ये पर्सनली कलर मेरा फेवरेट है। ब्लैक के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुझे कोई कलर पसंद है तो वो ग्रे है, क्योंकि ग्रे इज समथिंग लाइक यू होप यू अंडरस्टैंड दैट, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है अगेन। सो यहाँ तो अगर आपको मेरा ये हॉल और मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, वो नॉट अ रिव्यू इट्स अ हॉल, लाइक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अमेजोन से शॉपिंग का। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।